जंगल राज, जंगल राज। हम तो कल पूछे कौन सा तिलिस्म है भाई तुम्हारे पास। When BJP is in, it's मंगल राज। When BJP is out, it's जंगल राज। और ये भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, ज्यादा ख्वाब ना देखे। दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे, कुछ चैनल जो है सूत्र के हवाले से चलाते हैं, लेकिन वो वेरीफाई क्यों नहीं करते हैं? जब हम वेरीफाई कर सकते हैं एक घंटे में, तो आप कुछ मीडिया चैनल क्यों नहीं? नमस्कार, इनसाइड लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। बिहार में राजद नेताओं पर सीबीआई की रेड के एक दिन बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए। तेजस्वी यादव ने आते ही कड़े तेवर दिखाए। केंद्र सरकार, सीबीआई, सरकारी एजेंसियों के साथ मीडिया से भी तेजस्वी ने खुलेआम नाराजगी जाहिर की। तेजस्वी यादव ने कहा कि रेड डालने के साथ ये भी साबित करने की कोशिश हो रही है कि हम दोषी हैं। गुरुग्राम के मॉल को मेरा बता दिया गया, मीडिया सूत्रों के हवाले से बता रही है। कोई साबित कर दे तो आधा उसी को दे देंगे, आधा जो बचता है उसे गरीबों में और छापा मारने वाली सीबीआई को प्रेस देंगे। तेजस्वी यादव ने गुरुग्राम स्थित अर्बन क्यूब्स मॉल पर छापेमारी को लेकर एक बार फिर अपनी सफाई दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस मॉल पर बुधवार को सीबीआई ने छापेमारी की, वो मॉल मेरा नहीं है। अर्बन क्यूब करके वो मॉल का प्रोजेक्ट है जो किया जा रहा है, और कुछ सूत्र के हवाले से मीडिया ये चला रहे हैं कि भाई ये तेजस्वी का है। ये भी चलाया जा रहा है कि इसमें तेजस्वी पहले शेयर होल्डर थे, स्पष्ट, और यहाँ रेड पड़ा है। हमने जांच की, और आजकल जांच करना बड़ा आसान है। वेरीफाई किया, भाई मेरा तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये नाम कैसे चल रहा है, कौन है इसके डायरेक्टर, कौन है कंपनी का मालिक, कौन है शेयर होल्डर, पता हमने किया तो ऑनलाइन तो सब कुछ मिल ही ना जाता है। जब ऑनलाइन किए तो हमने साफ तौर पे ये देखिए, ये है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी वाइट लैंड कॉर्पोरेशन कंपनी जब बनी उसका ये सर्टिफिकेट है, देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मोदी जी के सरकार का ही, जो भारत सरकार है उसी का इनकॉर्पोरेशन कंपनी का सर्टिफिकेट है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं डिटेल, ये इसमें डेट देखिए, ये कंपनी कब बनी, 12 फरवरी 2021। हम चाहेंगे कि हाईलाइट करके दिखाया जाए, 12 फरवरी 2021। और दूसरा चीज़ हम दिखाना चाहते हैं, इसमें स्पष्ट हो गया कि कंपनी कब बनी, यानी 21 में बनी। और हम आपको एक और डॉक्यूमेंट दिखाएंगे जो कि लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये देखिए लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं। इसमें डायरेक्टर में दो डायरेक्टर हैं, एक वीरेन मेहता और दूसरे कृष्ण कुमार, और दोनों हरियाणा के हैं, हरियाणा के, साफ साफ आप लोग देख सकते हैं। अब तीसरा डॉक्यूमेंट हम आपको दिखाना चाहते हैं उसी कंपनी का, जो कहा जा रहा है कि शेयर होल्डर है, हम शेयर होल्डर, अरे 21 में कंपनी बनी, अगर हम थे तो मेरा शेयर होल्डर का लिस्ट दिखा दीजिए। तो उसमें पहला जो नवदीप है उनका जो है सबसे ज़्यादा शेयर है 90,000 का, ये तकरीबन ये 9 लाख 90, टोटल अमाउंट देखिएगा 90 लाख का है। और दूसरे आत्म प्रकाश है उनका जो है 10 लाख का है, और इसमें डेट देखिए ऊपर 31/3/2021, और कंपनी भी 21 में ही बनी। अगर हम शेयर होल्डर थे तो मेरा नाम कहाँ है? तेजस्वी यादव ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई कर मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि सीबीआई के प्रति अब लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। सीबीआई पर आरोप लगाते हुए तेजस्वी ने कहा कि 15 साल के बाद सीबीआई की नींद खुली है। जिस दिन बहुमत सिद्ध करना था उसी दिन सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी की। तेजस्वी ने यह भी कहा कि यूपीए 1 में जब लालू यादव रेल मंत्री बने थे तब 2009 में 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, और सीबीआई ने 18 मई 2022 को केस दर्ज किया और कल रेड किया। इस दौरान तेजस्वी मीडिया पर बरसते भी नजर आए।
बोले कि कुछ मीडिया हाउस के माध्यम से बताया जा रहा है कि अर्बन क्यूब्स नाम से एक मॉल बन रहा है, वो तेजस्वी के नाम पर है। हम ही लोगों पे एफआईआर कितना, ढाई दशक से तो हम छापे देख रहे। अरे जेल में बंद करना, सीधे ले जाओ ना जेल में भाई, सब सब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दो, बंद कीजिए। हमारी जनता लड़ाई लड़ेगी हमारे लिए इन जमाइयों से, क्योंकि भाजपा में तो ताकत है नहीं, जमाइयों को आगे कर देती है। अब तो असली डर 24 का है कि भाई अब तो महागठबंधन हो गया, एक पार्टी छोड़ करके सब बिहार में सब एक हो गए हैं, तो 40 का 40 इस बार महागठबंधन जीतेगी, ये डर है। और ये सिलसिला ये फिर करेंगे, ये इतनी बेशर्मी पे आ गए हैं, अपना हद पार कर दिए हैं कि ये सिलसिला चलता रहेगा। अब हम इनके नेता कुछ भी आरोप लगाते रहे, हम तो सबूत देते हैं, सबूत एविडेंस पे बात करते हैं। तो सब लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, ये बिहार है, सब लोगों को बता देना चाहते हैं, बिहार में जबरन कोनो काम ना होला, डरवा के सीबीआई ईडी या कुछ सूत्र वाले पत्रकार चाहेंगे कि नाम बदनाम कर दे, तो समझ जाइए बिहार है सब कुछ ठीक ठाक कर देता है, चिंता ना करिए, अभी तो शुरुआत है ना, ये लोग अपना लीला दिखा रहे हैं। जनता जब अपना आंदोलन शुरू करेगी, हमारी लड़ाई लड़ेगी, तब इन सब को बुझा जाएगा। तो भैया आप सब लोगों से, कुछ जो लोग हैं, हम तो सबको नहीं बोलते, कुछ जो सूत्र चला ही ना रहा है, बताइए चलाया कि नहीं चलाया, एक जगह चला दिया कि सुनील सिंह के यहाँ जो MLC है करोड़ों रुपया निकला, मशीन ले जाया जा रहा गिनती के लिए। अरे भाई क्या मजाक है यार, मतलब कुछ भी। और ये भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। इन्हें उन्हें जो कर रहे हैं, जिनका सपना टूटा है ना मुख्यमंत्री बनने का, वो समझ जाए, ज्यादा ख्वाब ना देखे, दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे। सीबीआई पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि अब सीबीआई वाले भी मारपीट कर रहे हैं। अब सीबीआई वाले, हमको हमारे सूत्रों से पता चला है कि मारपिटाई भी कर रहे हैं। कुछ न्यूज चैनल के सूत्र कह रहे हैं कि भोला जी ने बताया है। अरे भाई ब्लफ खेल रहे हैं, ब्लफ खेल रहे हैं कि कहीं ना कहीं से अपने आंकड़ों को खुश किया जाए। और जो जांच आयोग कर रहा है इस केस को, जो रजिस्टर किया, उसका प्रमोशन हो जाता है भैया, वो DSP बन जाते हैं। क्या हो रहा है इस देश में भाई, ये संवैधानिक संस्थानों को नष्ट किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, ये कौन है ऑर्डर देने वाला। 15 साल बाद CBI जो है वो जागती है लालू जी पे, बताइए इससे पहले रेलवे नुकसान में था कि नहीं था, लालू जी से पहले 90,000 का मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हम पे जांच होती है, माल्या जी पे भगा दिया जाता है, हमको लुकआउट नोटिस होती है, मोदी जी, नीरव मोदी जी पर होती है, भगा दिया जाता है, ललित मोदी जी घूम रहे हैं इधर से उधर, मेहुल चौकसी घूम रहे हैं, कोई अता पता नहीं भैया, बोल दिए पहले। आप देखिएगा दूसरा, 10 लाख करोड़ रुपया का कुछ नहीं होता भैया, ड्रग्स मिलता है 1,000 करोड़ का एक जगह, कोई एक्शन नहीं ली जाती है। और आप बताओ जो ग्रुप डी में जो बहाली जिनकी हुई है, जो गरीब परिवार से ही ना है, वो गरीब परिवार के लोगों को तंग किया जा रहा है, और हमारे सूत्रों के हवाले से खबर मिली है उनके साथ मारपीट भी की गई है। क्या CBI वालों के
बेटे नहीं हैं, उनका परिवार नहीं है, क्या वो हमेशा सीबीआई ऑफिसर रहेंगे? क्या वो रिटायर्ड नहीं होंगे? क्या सत्ता में हमेशा एक ही की सरकार रहेगी? क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से, आप संवैधानिक संस्था के जो काम, जो दायित्व मिला है उसको निभाइए ईमानदारी से। और आप बताइए, आप तब से अब तक हम लोगों ने पूरे परिवार ने ना कोऑपरेट किया है सभी जांच एजेंसियों के। तेजस्वी यादव ने कहा कि कल जहां जहां रेड हुआ वहां ये कहा जा रहा था कि अगर लालू जी से संबंध रखोगे तो तुमको अरेस्ट कर लिया जाएगा। नहीं, सूत्र का लोग चलाते हैं, हमारे सूत्र, जो गरीब, जो 2005 में जिसकी बहाली हुई, अगर 2015 में जमीन बेचता है तो उसको अरेस्ट करके उसकी पिटाई की जा रही है। लालू जी को अभद्र गाली से पड़ोसा जा रहा है, गाली दी जा रही है, और ये बोला जा रहा कि कोई भी, जिनके यहां भी कल रेड पड़ा है, कोई भी हो, उनको ये बोला जा रहा है कि लालू जी से अगर संबंध रखोगे तो तुमको अरेस्ट कर लेंगे। और लालू जी को अभद्र गालियां दी जा रही है उनके सामने, और यह बोला जा रहा है हमको ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। और आप कुछ मीडिया हाउस ये भी चला रहे कि भाई 200 डीड मिला, 200 डीड मिला। कितने यहाँ रेट पड़ा पूरे देश भर में? लगभग 50 से ऊपर, मान लीजिए 50 से ऊपर। आप मीडिया के भाई एक होंगे, अगर आप, हम आपके घर चलेंगे अभी तो आपके घरवा का कागज होगा कि नहीं होगा आपके पास? और एक कट्टा में होगा, दो कट्टा में होगा, एक प्लॉट में होगा, दो प्लॉट में आप घर बनाएंगे तो 2 डीड होगा। तो अगर आप 50 भी कीजिएगा तो 100 डीड तो ऐसे ही हो गया। आई लोग गए कहाँ? मॉल में, वो भी भाजपा के मॉल में। वहाँ कितना बड़ा एकड़ जमीन होगा, कितना डीड होगा? ये मेडिकल कॉलेज के जो स्थापना किए हैं कटिहार के, इतना अच्छा काम किए बिहार में, एक इतना ऐतिहासिक ये संस्था है, महत्वपूर्ण संस्था है, वहाँ छापे मारे जाए, वहाँ का कागज उठाया जा रहा है, तो वहाँ का कितना कागज होगा? और ये कहा जा रहा है कि ये तेजस्वी का यानी लालू परिवार का 200 डीट पकड़ा रहे, किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? हम चुनौती के साथ कर सकते हैं, कल जितना भी रेट पड़ा तेजस्वी का एक भी डीट नहीं पकड़ा गया, एक भी डीट नहीं पकड़ा गया है। डिप्यूटी सीएम ने कहा कि मीडिया चैनल्स सूत्रों को वेरीफाई क्यों नहीं करते। सीबीआई की जांच पर भी तेजस्वी यादव ने उंगली उठाते हुए कहा कि जो मॉल मेरा बताया जा रहा था वो मॉल तो भाजपा का निकला। इस बात का कि कुछ चैनल जो है सूत्र के हवाले से चलाते हैं, लेकिन वो वेरीफाई क्यों नहीं करते हैं? जब हम वेरीफाई कर सकते हैं एक घंटे में, तो आप कुछ मीडिया चैनल क्यों नहीं करते? इससे नाम किसका खराब है? जो हमारे छवि को नुकसान हुआ है उसका जिम्मेवार कौन होगा? और अद्भुत बात यह कि जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है उसका जांच देख लीजिए कैसा होता है। सीबीआई को तो धन्यवाद हमको करना चाहिए कि जो इतने दिनों से लगे हुए हैं वो गए थे मेरा मॉल पकड़ने, हम जो हकीकत है सबूत के साथ भाजपा का ही मॉल पकड़ दिए। क्या बात है भाई, भिवानी के सांसद भाजपा के, गुरुग्राम की मेयर भाजपा की, मुख्यमंत्री हरियाणा का भाजपा का तारीफ कर रहा है। हमने इसीलिए कहा ना कल कि ये 3 जमाई है भाजपा के, कौन कौन? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। कल ही छापा पड़ा, जो 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया उस पर कार्रवाई, झूठा मुकदमा, बेइज्जत किया जा रहा है, बदनामी की जा रही है। और जो रेलवे को बेच रहा है, देश की संपत्ति को बेच रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मेरा सवाल पूछा जाएगा, क्या क्या सीबीआई में हिम्मत है, औकात है कि वो खट्टर जी पर मुकदमा करेंगे और जांच करेंगे, भाजपा सांसद पर मुकदमा करेंगे, जांच करेंगे, एमएआर पे भाजपा के? क्या हिम्मत है सीबीआई को? किसको है? या हम चैलेंज देना चाहते हैं वो न्यूज चैनल जो सूत्र के हवाले से जो न्यूज पड़ोसते हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं, अगर
गृह मंत्री प्रधानमंत्री के नाम से अगर हम बोल दे या उनका सूत्र बोल दे कि ताज कोलाबा उनका है, तो सूत्र के हवाले से उन मीडिया चैनलों की हिम्मत है कि वो चला दे? अरे भैया कहाँ जा रहे? अगर मेरा मॉल है तो उन मीडिया हाउसेस के मालिकों को जिसके लिए वो ये न्यूज पड़ोस रहे हैं, टीटीएम कर रहे हैं, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि भैया आधा आपको दे देंगे मॉल और आधा हम गरीबों में बांट देंगे और कुछ जो बचेगा सीबीआई के लोगों को दे देंगे, अगर है तो। क्या मजाक बना रखा है इस देश का, बदनामी। और आपको हम बता देना चाहते हैं ये सीबीआई के लोग क्या कर रहे हैं भाई, ईडी इनकी एजेंसी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी जो जंगल राज की दुहाई देती है, कौन सा तिलिस्म है? When BJP is in, it's Mangal Raj. When BJP is out, it's Jungle Raj. Jungle Raj, Jungle Raj. हम तो कल पूछे कौन सा तिलिस्म है भाई तुम्हारे पास? When BJP is in, it's Mangal Raj. When BJP is out, it's Jungle Raj. सब perception, अफवाह, agenda. असल में main मुद्दे से ये लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं। अब हम बार बार यहाँ तो नहीं बैठेंगे स्पष्टीकरण करने, ये लोग तो कुछ ना बोलता रहता है, मतलब बेकार का काम में हम बैठे रहे कि हम चले नौजवानों को नौकरी देने। अब बताइए अगर उस समय नौकरी मिली लेने में तो कोई बुरी बात है क्या? कोई बुरी बात है? किसी ने कंप्लेन किया था क्या कि ऐसा बात है? अगर होता तो पहले ही ना सब कुछ हो जाता, तो ये अभी कैसे हो रहा है जनचवा, कैसे हो रहा है जांच? और हमारा जो चल रहा था 17 से IRCTC, क्या हो रहा है? उस समय भी बदनाम किया गया, तो हम तो उसलिए समझे कि भाई अब जरा पूछिए ना खट्टर जी पर कब रेट पड़ेगा। अरे भाई सूत्र तुम बता रहे थे, हम पूरा एविडेंस बता दिए मीडिया को कि पूरा वीडियो चलाइएगा जो दिखा रहे थे मेरा सूत्र में, पूरा वीडियो चलाओगे? है हिम्मत कि बीजेपी के सांसद मुख्यमंत्री और मेयर जो है उसकी सराहना कर रहे जा सीबीआई रेड पर दिए? क्या मतलब है, क्या मजाक बना रखा? तो हम चाहेंगे अपनी बातों को हमने रखा तत्पूर्ण रखा। अब बताइए कौन सा बड़ा जांच एजेंसी है देश का, सोच लिए क्या जांच करता है? खाली पॉलिटिकल, ओनली पॉलिटिकल वेंडेटा।